नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। घटना को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। FIR में स्वाति मालीवाल के आरोप, विभव कुमार ने मुझे 7-8 थप्पड़ मारे, शरीर के निचले हिस्से पर लात मारी, मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। दिल्ली शराब घोटाले में मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, ईडी ने दाखिल की एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को भी बनाया आरोपी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी है अंतरिम जमानत। भाजपा महिला मोर्चा की दिल्ली इकाई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का है मामला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्वाति मालीवाल पर हमले के मुद्दे पर नहीं बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। कहा, आरोपी विभव कुमार के साथ बेशर्मी से घूम रहे हैं केजरीवाल। सीतारामन ने आप संयोजक से इस मुद्दे पर माफी मांगने को कहा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए 30,000 कोर्ट पहुंची। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को बनाया आरोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाराबंकी में अखिलेश यादव पर तंज। कहा, इसके सपने के इंतहा देखिए, कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। लोकसभा चुनाव में तुष्टिकरण की सियासत की एंट्री। बाराबंकी और हाजीपुर में चुनावी रैली में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, तुष्टिकरण की सियासत करने वालों को सत्ता में आने के बाद वोट जिहाद करने वालों को देंगे तोहफा। रायबरेली से बेटे राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार में उतरी सोनिया गांधी। कहा, रायबरेली से एक आत्मीय रिश्ता। इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र। बहन प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है रायबरेली की पूरी चुनावी कमान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय को जारी किया नोटिस। तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। 2029 में भी नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, 400 पार के साथ 2024 में मोदी फिर संभालेंगे देश की कमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में किया रोड शो। राज्य में 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। मुंबई की अदालत ने होर्डिंग गिरने के मामले में गिरफ्तार भावेश भिंडे को 26 मई तक पुलिस की हिरासत में भेजा। होर्डिंग हादसे में 16 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 2 पुलिसकर्मियों पर FIR के बदले 3 लाख के रिश्वत लेने का है आरोप। कार्रवाई को लेकर SCP से भिड़े भाजपा विधायक। मुख्यमंत्री से पूरे मामले की शिकायत करने की कही बात। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा, 4 जून को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पूरे देश में युवाओं ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर कहा, एक तरफ पीएम मोदी का 400 पार का नारा है, वहीं हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी सत्ता में नहीं आएंगे, इस बार 400 पार का सपना है। तमिलनाडु के ऊटी में भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भरा। राज्य के तेनकासी में ओल्ड कोर्टालम झरने में पानी का तेज बहाव देखा गया। जनता को अस्थायी रूप से झरने में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। अग्निशमन एवं बचाव विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच स्थानीय स्तर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री और ITC जैसे दिग्गज कंपनियों में खरीदारी आने से शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 253 अंक की चढ़ा जबकि निफ्टी 62 अंक की तेजी रही। फिल्म हमारे 12 का दमदार टीजर हुआ रिलीज। देश की बढ़ती जनसंख्या से होने वाली समस्याओं पर आधारित है कहानी। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी फिल्म। 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी हमारे 12। फिल्म चंदू चैंपियन का तीसरा पोस्टर हुआ रिलीज। वॉर सीक्वेंस में नजर आ रहा कार्तिक आर्यन का जोशीला अंदाज। पोस्टर में उरू वैली में फिल्माए महत्वपूर्ण वॉर सीन्स की दिखी झलक। फिल्म का ट्रेलर 18 मई को होगी रिलीज। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।